यही पीते हैं। इसको कैसे यूज करते हैं बताइए हमको, देखिए अभी यूज करके बताएंगे। इंसुलेशन है, बहुत खराब चीज़ है। खराब चीज़ है फिर भी आप लोग पीते हैं? इसे पीते हैं बहुत में। कितना का मिलता है? 35 का एक मिलता है। पूरे दिन में कितना पीते हैं? पीते सात। सात भी आते हैं? हाँ। तुम लोग का अड्डा कहाँ भाई? अड्डा नहीं बताएंगे। काहे नहीं बताओगे अड्डा? सुनो सुनो इधर, सुनो इधर, हम बोल रहे हैं चलो तुम्हारा एक स्कूल में एडमिशन करवा देंगे, बढ़िया सा स्कूल में। कोई भी एडमिशन करवाएगा, बड़ा बड़ा स्कूल में नहीं पढ़ेंगे नहीं लिखेंगे। देखिए ये सनफिक्स गोल्ड है और ये लोग यही इसी को पीते हैं। इससे कोई फ़ायदा नहीं ना बॉस? क्या नाम बताए? सुदामा। कोई फ़ायदा नहीं ना सुदामा इससे? तो फ़ायदा नहीं है तो 300 रुपये क्यों बर्बाद करते हो इस पर? देखिए मतलब कि पुलिस वगैरह से डर नहीं लगता है? पुलिस से कोई डर नहीं है लगता। पुलिस पकड़ लेगी आकर के नशा में रहिएगा तो? कोई नहीं पकड़ेगा। नमस्कार, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी मौजूद हैं बिहार की राजधानी पटना के रेलवे स्टेशन पे और अभी रात के 2 बज रहे हैं और यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो सुलेशन पीते हैं, बोनफिक्स पीते हैं। और वो कैसे पीते हैं, पीने के बाद क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है, उन्हीं से जानेंगे। पूरी वीडियो को देखिएगा और उसके बाद बताइएगा कि लोग क्या कर रहे हैं। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों का जो भविष्य बनाने का समय है वो अपना भविष्य किस प्रकार बर्बाद कर रहे हैं। देखिए अभी हम पटना जंक्शन पर हैं और एक भाई साहब मिले हैं। एक बात बताइए, ये क्या है हाथ में? हाथ में सुलेशन है। इससे क्या होता है? इससे क्या होता है? नशा लगता है। ये सब तो दारू वगैरह बंद है बिहार में, आप लोग कहाँ से लाते हैं सब? लाते दुकान से, गुमती से। इसको पीते कैसे हैं, पी करके बताइए। एक सेकंड, आप करते क्या हैं पूरे दिन? झाड़ू मारते हैं। झाड़ू मारते हैं नगर निगम का? नहीं, मांगते हैं, झाड़ू मार कर मांग के पैसा ला ला कर सब। कितना कमाते हैं पूरे दिन में? 500-600 रुपये डेली कमाते हैं। और पीते कितना का है? 200 रुपये का। 600 कमाते हैं, 200 पी जाते हैं। हाँ। इससे फ़ायदा क्या आप लोगों को? ये सबका फायदा, मेरा सबका फर्ज है पीने का। हैं? मेरा सबका फर्ज है पीने का। फर्ज है पीने का, क्यों भाई? क्योंकि मेरा ये नहीं पीते मन नहीं लगता। ऐसा क्या है इसमें? और क्या पता, इससे सुलेशन है, बहुत खराब चीज़ है। खराब चीज़ है फिर भी आप लोग पीते हैं? इसे पीते हैं बहुत में। और कौन कौन लोग रहते हैं आपके साथ? मेरा पास में 10 जने रहते हैं। कहाँ है सब? सब सो रहा हो। कहाँ? अड्डा पे। अड्डा कहाँ है? अड्डा ये रहा पीछे। चलो चलिए आइए तो साथ में, चलिए तो जरा देखते हैं। एक बात बताइए भाई साहब, आपके परिवार में कौन कौन है? आपके परिवार में कौन कौन है? आपके परिवार में कौन कौन है? परिवार में मेरा मम्मी पापा सारा चीज़ है। मम्मी पापा क्या करते हैं? मम्मी पापा भी नहीं है घर में। नए वाले घर में? हाँ, नए वाले घर। आप कहाँ पे रहते हैं चलिए बताइए हमको। सत्यम किधर गया? गौरी। हाँ, एक गौरी फ्लैट। अच्छा एक बात बताइए, आपका नाम क्या है? सुदामा। क्या? सुदामा कुमार। सुदामा कुमार, सुदामा आपका नाम है? हाँ। पढ़ाई लिखाई किए हैं? नहीं। कुछ नहीं? कुछ नहीं। कहाँ घर है, मकान कहाँ है आपका? मेरा कोई घर मकान नहीं है। कोई घर मकान नहीं है? कोई घर मकान नहीं। अरे कहीं तो होगा ना भाई साहब जहाँ आपका पैतृक घर हो। कोई नहीं है। कोई नहीं? सारा मेरा आदमी नहीं, सारा कोई सो रहा है। सब सुलेशन ही पीने वाला है। सब सुलेशन पीने वाला है? हाँ देखो। तो ये सब पी करके सो गया? सब सो गया। तो आप इतना रात को क्या कर रहे हैं 2 बजे पटना जंक्शन पे? हमें खाना खा कर आ रहे हैं, माल लेकर। माल लेकर? हाँ। वो है ना सुलेशन दिखाना, क्या है ये? देखिए ये सनफिक्स गोल्ड है और ये लोग यही इसी को पीते हैं और कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि इसका जो यूज होता है इधर, इसका जो यूज होता है किसी चीज़ को साटने के लिए होता है। साटने के लिए दूसरा होता है ये पीने का। पीने के लिए ही बनता है? ये पीने ही का बनता है, साटने वाला दूसरा रहता है। अच्छा, ये कितना का मिलता है? 35 का एक मिलता है। पूरे दिन में कितना पीते हैं? पीते सात। सात पी जाते हैं? हाँ। तो 7 × 3 मतलब कि 250 रुपये का पी जाते हैं? 250 रुपये बोला मैं, 250 रुपये 200 रुपये पी जाता डेली। अच्छा तो आप लोग पढ़ाई लिखाई काहे नहीं कि, हमारा सवाल ये भी रहेगा। पढ़ाई लिखाई नहीं किया, पढ़ाई लिखाने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं पढ़ाने लिखाने वाला? कोई नहीं। हम पढ़ाएं, आप पढ़िएगा? ना पढ़ेंगे, कोई कीमत पे नहीं। काहे?
काहे कि मैं मेरा पर्स नहीं, मैं कोई कीमत पे नहीं पढ़ सकता। अभी आप होश में हैं, मतलब बोल रहे हैं जो पता चल रहा है कुछ? कोई होश में नहीं है। कोई होश में नहीं है? कोई होश में नहीं। आपके और चलिए मित्र से मिलवाइए हमको, कहाँ है आपके मित्र? वो गर्म हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा मेरे पे। तुम्हारे पे गुस्सा का हो जाएगा भाई? बोलेगा आदमी बंदा को बोला कि कैमरा चालू है, उसीलिए मैं पुलिस पुलिस वगैरह से डर नहीं लगता है? पुलिस से कोई डर नहीं लगता। पुलिस पकड़ लेगी आकर के नशा में रहिएगा तो? कोई नहीं पकड़ेगा। पकड़ लेगा ना तो जेल में डाल देगा पकड़ करके? नहीं पकड़ेगा। उधर भी छोटे छोटे बच्चे देखिए सोल्यूशन पी रहे थे। हाँ, छोटे छोटे बच्चों को भी आप लोग सिखा देते हैं पीने के लिए? हम लोग नहीं पीते, अपने सब कोई पीता है। इससे कोई फायदा नहीं ना बॉस, क्या नाम बताए? सुदामा। कोई फायदा नहीं ना सुदामा, इससे तो फायदा नहीं है, तो 300 रुपये क्यों बर्बाद करते हो इस पर? देखिए मतलब कि ऐसा नशा नशा में मतलब कि रम गए हैं कि उनको कुछ नहीं पता चल रहा कि हम क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अच्छा अभी हम आपसे क्या मांगे थे पता है कुछ? कुछ नहीं। कुछ नहीं? कुछ नहीं, मतलब कोई पता नहीं है। आप बोल रहे हैं मेरा वो भी पता नहीं है, आप मेरा पूछ रहे हैं वो भी पता नहीं है। मेरा घर पर अभी आप कहाँ पे हैं? अभी हम स्टेशन के नीचे हैं। कौन सा स्टेशन? पटना जंक्शन। पटना जंक्शन पे हैं ये आपको पता है, लेकिन आपके साथ हम क्या कर रहे हैं वो आपको नहीं पता है? पता नहीं, खड़े मैं एक एक लगा रखे हैं। अच्छा बस दिन में क्या करते हैं? झाड़ू मारते हैं, सो जाते हैं। रात में? रात में भी सो जाते हैं। सोते कहाँ पे हैं? जाते अड्डा पे। अड्डा पे मतलब कि कहीं पे भी आप जा कर के सो जाते हैं? अच्छा एक बात और बताइए हमको, 2 बज रहा है लगभग 2 बज रहा है और कड़ाके की ठंड है, 2-3 डिग्री सेल्सियस है ठंड, आपको ठंड नहीं लग रहा है? उतना भर नहीं लग रहा है इसके वजह से। अच्छा ये गर्मी देता है आपको? हाँ बहुत गर्मी देता है। देखिए ये बोनफिक्स लिए हुए है, यही दिखा रहे थे ना आप? यही दिखा रहे थे ना? यही पीते हैं? इसको कैसे यूज करते हैं बताइए हमको। देखिए अभी यूज करके बताएंगे, देखिए उसमें डालेंगे, पता ना कैसे कैसे लोग करते हैं भाई, अलग कहीं नशा है। देखिए बोनफिक्स उसमें डाल दिए हैं प्लास्टिक में, देखिए बोनफिक्स उसमें डाल दिए, अब ये देखिए कैसे पिएंगे इसको। वो पॉकेट में रख लिए, अब इसको पैक कर लिया ये। अच्छा वो मिला दिया उसमें? मिला दिया उसमें। मरिएगा दो फोक। अच्छा ये कितना देर चलता है एक बार उसमें डालते हैं तो? एक बार 10 मिनट तक चलता है। 10 मिनट तक चलता है बस? झाड़ू मारते हैं आप स्टेशन पे, उसके बाद ट्रेन में मारते हैं, ट्रेन में मांगते हैं पैसेंजर को जिसका मर्जी 10, 20, 100, 50, 2000, 500 तक। अच्छा मांगते हैं, आपका इतना बढ़िया शरीर है आप कमाते काहे नहीं है? कमाने का क्या फायदा है, जितना कमाएगा बंदा ने उतना मैं सब कमा कर फेंक देंगे। अरे भाई तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हारे पास शरीर है बकायदे, हम बोल रहे हैं चलो तुम्हारा एक स्कूल में एडमिशन करवा देंगे बढ़िया सा स्कूल में। कोई भी एडमिशन करवाएगा बड़ा बड़ा स्कूल में नहीं पढ़ेंगे नहीं लिखेंगे, ऐसा ही किस्मत खराब करोगे। किस्मत खराब, अब मर जाओगे कोई पता नहीं है, कोई पता नहीं है। देखिए नशे के हालत में और इनको कुछ नहीं पता चल रहा है। ठंड लग रहा है चाचा आपको? ठंड बहुत ज़्यादा है ना, 2-3 डिग्री सेल्सियस है। कि आप दो तीन कंबल लिए हुए हैं, सिर्फ एक शर्ट पहने हुए हैं, एक शर्ट पहने हुए, गंजी भी नहीं अंदर पहने हुए हैं, फिर भी आपको ठंड नहीं लग रहा है? ये बोल रहे हैं ना हमारे माता जी हैं ना पिताजी हैं, कहाँ के रहने वाले हैं कुछ नहीं पता है? कोई पता नहीं है। गाना बनाते हैं? गाने कोई गाना नहीं, अब हो जान भाई गान लेला। और गाना आता है? और का गाना है? शायरी आता है मारने सजना गाना? ये क्यों गाना आता है? आपका अपना घर कहाँ है भी नहीं पता है, नाम आपका खाली पता है? खाली नाम पता है। क्या नाम बताए थे? सुदामा कुमार। सुदामा कुमार, एक सतयुग में सुदामा थे, वो अपने मित्र के लिए पता है क्या क्या कर दिया था आपको? कुछ नहीं पता होगा? कुछ भी पता नहीं है। पी करके ठुल्ल हैं? पी करके ठुल्ले पूरे। दारू भी पीते हैं? कुछ नहीं दारू नहीं, खाली सिगरेट बस सोल्यूशन बस। सिगरेट और सोल्यूशन से पूरा जीवन कट जाता है? पूरा जीवन कट जाता है, खाना खुना खाते हैं डेली 200-300 रुपये खाना खा जाते हैं। 300 रुपये का खाना खा जाते हैं? थर थरा रहे हो बाबू तुम, खाना खा करा रहे थर थरा रहे हो, बोल रहे हो कि ठंड नहीं लग रहा है? उतना भर नहीं लगता है। अभी सोओगे कहाँ पे तुम? अभी जाकर अड्डा पर सोएंगे। अरे तुम लोग का अड्डा कहाँ भाई? अड्डा नहीं बताएंगे। काहे नहीं बताओगे अड्डा? सुनो इधर अड्डा काहे नहीं बताओगे? इधर देखो अड्डा काहे नहीं बताओगे भाई? हम कुछ नहीं करेंगे, वहाँ पे जा करके देखेंगे, अगर कोई वहाँ पे पढ़ने लिखने वाला रहेगा तो उसका एडमिशन भी करवा देंगे हम स्कूल में। कोई नहीं पढ़ने लिखने वाला है, छोड़ रहा है एक बच्चा है बस। शादी भी हो गया तुम्हारा?
कोई नहीं साथ, सबको साथ हुआ, सब इधर उधर इधर उधर इधर उधर इधर उधर लाना फंड बोतल चुना बोतल उधर चुनते बोतल उधर चुनते चाहते रहेगा। देखिए आइए बताते हैं, आइए आइएगा सत्यम जी, चलिए देखिए ये सुलेशन गैंग कहाँ पे रहता है वो हम दिखाते हैं। ये सब आप ही का गैंग है? आप ही का गैंग नहीं है, मेरे सब को सब अतिक है। अरे भाई ये सब यात्रीगण है, आती का नहीं है ये सब। तुम्हारा गैंग किधर है, तुम्हारा गैंग किधर है, चलो तुम्हारा दोस्त किधर है, चलो बताओ। हाँ 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 ठीक है, देख रहे हैं। ये 2 बजे रात में पटना जंक्शन पे बिना चप्पल के चल रहा है बंदा, और बोल रहा है कि उधर हमारा गैंग है, और पता नहीं उधर ले जा करके हमारे साथ क्या करेगा नहीं करेगा, उसका कोई माए बाप नहीं है ना। ये अब होश आ रहा है, अब होश आ रहा है, हैं? हाँ, होश आ रहा है, होश आ रहा है। कहाँ है, कहाँ है होश, अभी तुम कहाँ हो? होश आ रहे, उधर जाइएगा तो उधर बोलेगा सब, बोलेगा कि इधर कहाँ बंदा को लेकर आ गया यार, फिर तुमको मारेगा सब, सब मेरे को मारेगा। नहीं चलो हम देखेंगे। अब ये देखो, अब नहीं ना पियोगे, नहीं ना पियोगे, पक्का ना? पक्का। अगले बार देखेंगे तो अभी पुलिस से पकड़वा देंगे। इसको मेरे सामने नहीं कुछ नहीं करोगे, नशा का काम है, नशा में है, पूरा नशा में है ये। अभी सब कुछ बता रहा है।